जिला पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें उसने कोड़ा गैंग के एक अपराधी को गिरफ्तार किया है जो लूट की वारदातों को अंजाम दिया करता था। ये गिरोह शहर में लूट, चेन स्नैचिंग, छिनतई जैसे वारदातों को अंजाम दिया करता था। इन वारदातों को अंजाम देने के लिए बदमाश बाइक का इस्तेमाल करते थे, लिहाजा इनको लोग बाइकर्स गिरोह भी कहा करते हैं। आज इसी बाइकर्स गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता मिली है। बाइकर्स गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तारी के बाद सीटीएसपी ने संबंध में जानकारी दी। आर रामकुमार ने शनिवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मीडिया को उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोड़ा गैंग का एक अपराधी रोमित मंडल कटिहार जिले का निवासी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास इरिटेटिंग स्प्रे एवं मोबाइल बरामद किया गया। पुलिस का दावा है कि इसी से वे अपने शिकार को स्प्रे कर दिया करता था जिसके बाद शरीर पर खुजली जैसी स्थिति बन जाती थी। इसी बीच मौका देखकर अपराधी रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो जाता था। पूछताछ के दौरान उसने अपने बाकी सहयोगियों का नाम बता दिया है जिसके बाद अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। लगातार चिंता की घटना हो रहा था, उसी संबंध में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज इसी ग्रुप का एक आदमी का अरेस्टिंग हुआ है और उसमें और भी कौन कौन सम्मिलित था इसमें नाम आ गया है और उनका छानबीन में हम लोग हैं और बेसिकली टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर उनका अरेस्टिंग हुआ है। और क्या क्या बरामदगी हुई है सर? एक मास्टर की है और उसके बाद उनका मोबाइल और एक पाउडर है, वो इरिटेटिंग सेंस क्रिएट करता है, वो वाला होल पाउडर है, यही बरामद। किस तरह के घटना को अंजाम देता था ये? झपट्टा मारकर मतलब खास करके बैंक्स में बाहर आने वाला कैश लेकर आ रहे वाला लोगों को झपट्टा मारकर पैसा छीनने वाला वो गैंग था। इसलिए ये लोग कहाँ का है ये सर? ये लोग बिहार का है, सो दे बिलोंग टू नया टोली कटिहार, कटिहार डिस्ट्रिक्ट, कोड़ा गैंग। अच्छा, कोड़ा गैंग, कोड़ा गैंग। अभी एक ही पता है? एक ही पता है। ये कहाँ से, यहीं से करता है? ये इधर से ही करता है और बाकी लोग का भी छानबीन है। क्या नाम है सर इसका? रोमित मंडल।